हे गाइस, तो अभी आप लोग देख रहोगे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग देख रहा होगा भरत सिंह वाली की कंट्रोवर्सी क्या हुई है। यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी तो बताने वाला हूँ नहीं, क्लियर सी बात है, कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। सिर्फ एक चीज़ है जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को भरत सिंह वालिया को सपोर्ट करना है या फिर बाकी लोगों को जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सो भरत सिंह वालिया एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीट करते थे, ठीक है। ही नेवर क्लेम दैट ही इज नैटी, मैंने कभी नहीं सुना। अगर आप लोग पास कोई क्लिप हो तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा। सो मसल मेनिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बता देता हूँ कि मसल मेनिया है क्या क्या। सो मसल मेनिया के बारे में अगर आप लोग देख लोगे स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मसल मेनिया इज अ वर्ल्ड्स प्रीमियर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एथलीट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके मुताबिक, एंड जो भी इनके यहाँ बॉडी बिल्डर या पार्टिसिपेंट आते हैं वो नेचुरल होते हैं। अब इनके कुछ एथलीट्स के बारे में आप लोग बता देता हूँ जो मसल मेनिया के ही एथलीट हैं, एंड फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि वो लोग नेचुरल हैं या नहीं। सबसे पहले हैं सिमियन पांडा, दूसरे हैं चुल सून, तीसरे हैं यूलिसिस, मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँ लेकिन यूलिसिस आप लोग जानते होंगे इनको। और भी ऐसे काफ़ी सारे एथलीट्स हैं जो खुद को नेचुरल क्लेम करते हैं एंड वो मसल मेनिया के इस स्टेज पे कंपीट कर चुके हैं, जीते भी हैं। सो अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि मसल मेनिया कितना बड़ा एंड कितना अच्छा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बवाल ये हो रहा है ना, भरत सिंह वाला भाई जो हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि भैया अब वो IBBF जो फेडरेशन है उसकी तरफ से खेलेंगे एंड मसल मेनिया को वो छोड़ रहे हैं। ये चीज़ सुन के मसल मेनिया वालों की जो है थोड़ी सी खिसक गई कि भैया इतने साल से हमारे साथ खेल रहे थे अब वो वहाँ पे कैसे चले गए। तो हुआ ये कि उन्होंने निकाल दी इनकी कोई पुरानी रिपोर्ट, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये चीज़ मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो पुरानी है अभी है, लेकिन इनकी कोई रिपोर्ट उन्होंने दायर की या दिखाई जिसमें कि ये नॉट नैटी या अननेचुरल क्लेम किए गए एंड उन्होंने इनको बैन कर दिया। यानी कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भरत सिंह वालिया हमारे ये फेडरेशन को नहीं छोड़ सकते हैं या कि ये क्या छोड़ के जाएंगे, हम ही इनको खुद ही बैन कर दे रहे हैं क्योंकि ये एक नेचुरल एथलीट नहीं है। बाकी नेचुरल नॉट नेचुरल का जो चुनाव हो तो आप लोगों ने पहले कर ही लिया होगा जो उनके एथलीट्स हैं उसके हिसाब से। एंड इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भैया मजाक उड़ाने वाले कौन है, वही दुबई वाले वन लाइफ कर रहे हैं एंड भैया उनके साथ जो रहते हैं आप लोग बताइए। मसल मेनिया पर जाने वाले हर एक एथलीट ने किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई एनहेंसमेंट यूज़ किया हुआ होता है, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। सो ये तो था पूरी बात, एंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, जो सब लोग कह रहे हैं कि भैया ये कंट्रोवर्सी होगी भरत सिंह वाले ने गलत किया ऐसा हुआ। देखिए भैया, मैं तो भरत सिंह वाले को 100% सपोर्ट करता हूँ। मसल मेनिया को बहुत अच्छे से मैं जानता था पहले भी, लेकिन इसके बारे में कोई बात होती नहीं थी तो क्या ही बात की जाए, भाई बाहर की अपने विदेशी जैसे चल रहा चलने देते हैं। लेकिन अब ये चीज़ जो की है वो चीज़ काफ़ी मुझे बेकार लगी कि किसी एथलीट को इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, वो भी भैया अपने इंडिया के। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल गलत लगी, एंड मेरे साथ ही साथ आप लोग भी इनके साथ ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिए एंड नीचे कमेंट कीजिए जो भी आप लोग को अच्छा लगे। क्लिप देखिए जिसमें कि सारे जो भी इनके बॉडी बिल्डर्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के। पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे अपने भाई भरत सिंह वालिया के साथ। और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम इंडिया का एथलीट और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। आज भरत सिंह वालिया भाई जो हमारे हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, मेरे पोजीशन पे हैं। मैं खुला खुला सपोर्ट करता हूँ भरत सिंह वालिया भाई को।